एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में पुलिस द्वारा अपराध तथा अपराधियों की सक्रियता पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 19 अगस्त से 24 अगस्त तक टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 75 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि एसआर वांछित अपराधी व एनबीडब्ल्यू अपराधियों की गिरफ्तारी व निरोधात्मक कार्रवाई के लिए ऑपरेशन वज्र चलाया गया है। इस अभियान के दौरान सभी थानों पर टीमों को गठित कर लगातार दबिश दी गई, जिसमें एसआर वांछित अपराधी 17, एनबीडब्ल्यू में 25, अनवांछित अपराधों में 17, टॉप 10 में 16 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियान के अंतर्गत कुल 75 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें संगीन अपराध जैसे हत्या के 6, गैंगरेप के 5, पास्को के 1, लूट के 2 व गैंगस्टर के 3 अभियुक्त शामिल हैं। इस संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन पर सीओ गोरखनाथ एवं सीओ कोतवाली के कुशल नेतृत्व में 4 दिनों में कुल 75 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। कौन वाले हैं? सात भाई कुछ टॉप 10 ये वज्र वाले हैं। टॉप 10 आप थोड़ा आगे आएंगे, बांटे नहीं हो क्या सब? तो को आगे करिए, आप लोग आगे आगे आओ, आगे आओ, और टोपी वाले आगे। मगर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी खोराबार और राजघाट द्वारा की गई है। इस पे एनबीडब्ल्यू आते रहते हैं, तो कोई डेट नहीं था। हर थानों में जितने एनबीडब्ल्यू पेंडिंग थी सबकी संख्या जोड़ के फिर उनको एक साथ दिया गया था। और जितने एनबीडब्ल्यू पड़े हैं सबको एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। टोटल हमारे पास शहर के सभी थानों का जोड़ा गया तो 140 आए ऐसे। सारे इंस्पेक्टर साहबों को बुला लीजिए की लिस्ट बनाई गई थी। लिस्ट बनाने के बाद सातों थानों ने उसमें लग के कार्रवाई की है और सातों थानों की गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 4 दिनों में, और इनकी डिटेल्स अब बाइट में हम आपको दे देते हैं। प्रेस नोट में सारे सारे डिटेल दिया हुआ, तो आप बाइट ले लीजिए। ये 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक शहर के सातों थाना क्षेत्रों में कप्तान साहब ने निर्देश दिए थे कि जितने भी अपराधी हैं जो कि अभी हमारे यहाँ वांछित चल रहे हैं, चाहे एसआर केस, नॉन एसआर केस, एनबीडब्ल्यू या टॉप 10 में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई के तहत कुल 75 गिरफ्तारियाँ की गई हैं पिछले 4 दिनों के अंदर। इसमें से जो संगीन अपराध हैं जिनमें लोग गए हैं वो हैं हत्या के 6 मुलजिम एक बार पकड़े गए हैं, गैंग रेप और रेप के 5 पकड़े गए हैं, पॉक्सो के 1 पकड़े गए हैं, लूट के 2 पकड़े गए हैं और गैंगस्टर के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनके अलावा आपके 25 एनबीडब्ल्यू के अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 17 एसआर वांछित पकड़े गए हैं, अन्य वांछित 17 पकड़े गए हैं, और टॉप 10 अपराधी जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है वो कुल 16 हैं। और भी अपराधियों के घर पे दबिशें दी गई थी जो वहाँ पर अभी नहीं मिले हैं या फिर कहीं बाहर हैं, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई जारी रही। सर इनामी भी है इसमें कुछ? इनामी इसमें कोई भी नहीं मिला है। जो इनामी थे कुल हमारे शहर क्षेत्र में वो 7 से 8 के आसपास थे, जो इस वक्त शहर में नहीं है उनके पीछे भी टीमें लगाई गई। सर कितने थानों पे बताएं? ये कुल 7 थानों ने मिलकर इसमें कार्रवाई की है और हर थानों से अलग अलग संख्या में कार्रवाई की गई है इसमें।